हैप्पी बर्थडे परने, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दो तीन दिन के बाद लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था ना, बाहर बहुत गर्मी है, उसके बाद आज अभी बाहर आकर बैठा है। अंजू का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था उसके बाद। हाँ। उसको काफ़ी वीकनेस लग रहा था, और एक बार होता ना, एक बहुत सन आने के बाद में अभी वेदर बहुत चेंज हो गया है, बाहर बहुत ज़्यादा सन था, गर्मी बहुत था, तो और अंजू को क्या है, गर्मी बिल्कुल सूट नहीं हो रहा आजकल, तो जैसे ही गर्मी हो जाता है और पूरा डाउन। एक और प्रॉब्लम है, हमारा विंडो है ना कुछ भी खोल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस घर में है ना काम चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ, हमारे पीछे घर पे थोड़ा नीचे का मतलब गार्डन पे उनका काम चल रहा है, तो अब इससे धूल आता है वहाँ से। हाँ, उसी वजह से विंडो सब बंद करके रखना पड़ता है ना, बहुत ह्यूमिडिटी है घर के अंदर है ना। ओह, मतलब दो तीन दिन अभी ऐसे ही, मुझे एक हफ्ता का काम फिनिश नहीं हुआ है, ऐसे रहेगा। उसी वजह से मुझे घुटन सी, ऐसे बोल सकते हैं, क्या करूँ, कुछ काम करने का ये नहीं हो रहा है, पूरा बॉडी पे ना पेन हो रहा है, अजीब सा लग रहा था। अभी थोड़ा, अभी कितने 8 बजे होने वाले, 8 बजे हो गया, 8 बज गया अभी। और हम लोग अभी, हमारा देवर से बात हो रहे थे, कल खुशी का बर्थडे है इंडिया की सबसे, ऑलरेडी हो गया, मतलब 12 बजे हो गए इंडिया में। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। और सब बोल रहे मैंने गुड मॉर्निंग, हल्ला एनर्जी करवा दो। और सब बोल रहे मैंने बहुत लो एनर्जी में हेलो एवरीवन बोल दिया, इसलिए मैं एक और बोल रहे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग बाहर बैठे थे ना, इसलिए मैं चिल्लाकर बात नहीं कर पा रहे, सब बोल रहे मैं बहुत लो। वैसे भी अभी तुम्हारा भी अभी भी लो है, क्यों? तुम्हारा एनर्जी नहीं है। हां, आई नो आई नो, तबीयत का है मेरा। देखो 3 दिन से मेरा जगह देखो इस कोने पे है, इधर बैठकर सीरीज देख रहे थे, कुछ ना कुछ सीरीज देख रहे थे, मतलब वो भी देखने की इच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी देख रहे थे, वो भी देख रहे थे फियर द वॉकिंग डेड। संदर वही बोल रहा, तबीयत खराब है फिर भी बॉस का नहीं छोड़ेगा, मतलब बाकी पूरा जगह पे है ना धूप ऐसे आ रहा है, लेकिन इस एरिया पे ना थोड़ा पीसफुल है। फिर चुंगसी का रूम भी थोड़ा पीसफुल है, और चुंगसी आज केक बनाएंगे, ओरियो केक। ओरियो केक अल्ला, आई नो हाउ टू मेक ओरियो केक। नहीं, दूसरा केक बनाना है। आई नो हाउ टू मेक अ हग केक, यू हैव टू डू दिस। और मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अगर फिर से तबीयत खराब हो गया तो है ना, कल का दिन पहले हम लोगों ने सोचा था लाइव आएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने और संतोष ने बताया था, लेकिन मुझे उस समय हम लोग किचन में बैठकर बातें किया था ना बैंगलोर डेज के बारे में, उस समय फिर मैंने वो पार्ट कट कर वीडियो डाला है, क्योंकि तभी मुझे लग रहा था तबीयत खराब होने वाला है, लेकिन अभी ठीक है, लेकिन एनर्जी नहीं मिल रहा है मुझे। फिर भी मैं सोच रहा कल खुशी का है ना फेवरेट अप्पम और स्टू, मतलब एक दाल का स्टू बना दूंगी, उसी का तैयारी चल रहा है। केरल में ना दो तरीके का अप्पम मिलते हैं, एक है पाल अप्पम और ये है बेल्लाई अप्पम। इसको, इसके अंदर है ना पहले टोडी डालते थे, टोडी बोलते है ना, टोडी और कोकोनट ट्री से वो मिलता है, वो डालते हैं, और मैं वो सब नहीं डालते, मेरे पास नहीं है। उसी के लिए मैंने इधर 2 कप राइस लिया, उसके अंदर 1.5 कप कोकोनट, कोकोनट जितना डाल दो उतना टेस्टी आएगा, ग्रेटेड कोकोनट खत्म हो गया इसलिए थोड़ा सा कोकोनट चंक्स डाल रहे हैं, 1 मुट्ठी राइस, बॉईल किया हुआ राइस, टोडी नहीं है इसलिए मैं कोकोनट वाटर यूज कर रही हूँ, नॉर्मल पानी यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे है ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। 1 टीस्पून शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, लास्ट में डालना है ईस्ट, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, और मीठा है ना आप लोगों को जितना चाहिए उसी हिसाब से डालना है। इस बार खुशी का बर्थडे के साथ एक और स्पेशल गर्ल का भी बर्थडे है, यूट्यूब की वजह से मुझे वो दोस्त मिला है, आप लोगों को मालूम है श्रुति की बेटी का भी बर्थडे है, सेम डे है 22nd में। हम लोग पहले बहुत प्लान किया था साथ में बर्थडे मनाएंगे, मेरी माँ भी इधर होगा है ना, हम लोग बहुत कुछ केरल का और श्रुति भी अपना तरीके का कुछ खाना बनाएंगे, एकदम हम लोग मिलजुल कर बर्थडे, दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन बोलता है ना पहले से प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन खुशी दीदी है ना, इसलिए खुशी की तरह से, दीदी की तरह से छोटी बहन के लिए हम लोग गिफ्ट लेके जाएंगे आज।
Which I think you should donate some of your toys also. You don't need them. You have too much toys in your house. I think you should give all of them away. You're turning 9 years old. You're big now. Nine years old, a bigger one. Yes. हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी NHS वर्कर्स के लिए क्लैपिंग किया है सब लोग मिलके, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़रूरी है हम लोग रूल फॉलो करना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। NHS वर्कर्स के लिए ना काम हम लोग कम करना, क्योंकि वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना हमारे लिए, सिर्फ क्लैप करने से यह नहीं होगा, हम लोग रूल फॉलो करना है ना। यस एब्सोल्युटली 100% रूल फॉलो करो, घर पे रहो, जहाँ जहाँ पे करने के लिए बोला है डोंट गो आउटसाइड इफ अननेसेसरली, यू नो, जितना हो सके घर से अगर काम कर सकते हो तो घर से काम करो, अगर बाहर गया तो डिस्टेंस मेंटेन करो, ये सब बहुत जरूरी है। अपम का बैटरी इधर रेडी हो गया, अभी इसको कवर कर एक 7-8 घंटा रखना है, कल सुबह नहीं तो दोपहर में मैं यूज करूंगी। खुशी का पढ़ाई इधर चल रहा है, चल रहा है उसका पहली बार एक्सपीरियंस उसका कि इस पे गूगल क्लासरूम पे कैसे गूगल क्लासरूम में कैसे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट दे रहे हैं, कैसे करना है, उसका पहला एक्सपीरियंस है, तो वो देख रही है अभी काफ़ी, मतलब उसको कल सबमिट करना है इसलिए वो ज़्यादा मेहनत कर रही है अभी। और हमारा चिंसी इधर बहन के लिए केक बनाने का तैयारी में है। क्या लिया चिंसी, मिल्क कितना? 2 कप्स मिल्क लिया है। अभी इसमें 1 टीस्पून नींबू डाल रहे हैं ताकि बटर मिल्क बना रहे, बटर मिल्क रेडी हो गया। अभी अभी और क्या है चुंसी? आई थिंक 2 कप फ्लावर। टू कप्स फ्लोर लिया है, सो 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड नाउ 1/2 कप कोको पाउडर, थोड़ा सॉल्ट भी डाल रहे हैं और अब इसको अच्छे से छानना है, तो ये बर्तन लिया हुआ है छानने के लिए। प्रेस दैट, हाँ, लाइक दिस। यहाँ पे केक, चॉकलेट केक की बात चल रही है और वहाँ पे खुशी भी जो है चॉकलेट फैक्ट्री पर एक न्यूज आर्टिकल लिख रही है, न्यूज पेपर आर्टिकल, चॉकलेट का स्मेल स्मेल खुशी इट्स योर बर्थडे It's a birthday. It's a birthday. Take it easy, birthday girl. Ta 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 na 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 na. कल अपम के अलावा एक और चीज बनाने का मैं कोशिश करूंगी, खुशी का फेवरेट। वो सक्सेस हो गया तो रेसिपी दिखाएंगे, नहीं तो नहीं। अल्लाह अल्लाह से डरता हूँ, डरता हूँ। क्या है तुम्हारा फेवरेट? पूरी। अच्छा पूरी। ओ ओ तुम्हारा बर्थडे में। अच्छा ना बर्थडे की पूरी डालता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सवेरे से शाम तक पूरी होगा शायद मेरे बर्थडे पे। ब्रेकफास्ट पे पूरी, लंच पे पूरी। हां, गो टू योर बिली वोंका, बिली वोंका आवर न्यूज़पेपर रिपोर्टर, कम ऑन रिपोर्टर, वी नीड टू फिनिश द रिपोर्ट। पीपल डोंट कैन, बिली स्कूल टीचर कांट वेट फॉर यू टू सी दैट, कम ऑन रिपोर्टर। खुशी का स्कूल टीचर तो आज ही विश किया है, टीचर ने सोचा आज है 21st को है, आज ही ये सबको सब बच्चे का आज एक स्पेशल डे है, फैमिली का बर्थडे है। गर्मी बहुत है, खोल के रखो थोड़ा दरवाजा खिड़की। खोल कर रख लिया तो प्रॉब्लम क्या है ना, साउथ जगह एकदम शांत है और यहाँ से आवाज आ रहा है, हमारे घर में सिर्फ आवाज ही आवाज है। चलो आई फाउंड अनदर टेक्निक व्हिच यू शुड डू। चॉकलेट का माउंटेन रेडी हो गया है यहाँ पे, चुंसी थक कर चले गया, मैं भी बोला थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अभी इसमें शुगर डाल रहे हैं 1 कप 1/4 कप, हां 1/4 कप। दिस शुड बी कॉल्ड कोको पाउडर केक, मिक्स कर लो। ओह नो,
This will be as soon as I finish. हम लोगों ने लेमन डालकर बटर मिल्क बना दिया है ना, 2 कप वो इसमें डाल रहे हैं, और डालना है 3/4 3/4 कप वेजिटेबल ऑयल. मैं राइस ब्रांड ऑयल यूज कर रहे हैं. 3/4 कप वेजिटेबल ऑयल डाला, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस. इसमें अभी ये फ्लोर डालकर मिक्स करना है. Look underneath. Have you seen that? इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है. That is better. खुशी बाहर में नहीं डुकूं. ये सिंध. It's actually so good. Anjoji, Anjoji. एक चुंगसी. चुंगसी बाहर में नहीं डुकूं. चुंगसी बाहर में. इसको कुछ नहीं तो. Full. मुझे ना ये ओवन के बारे में इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका है ना मैनुअल हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसके अंदर रखकर 35-45 मिनट रखती हूँ, फिर बीच बीच में चक्कर करते रहती हूँ. ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद हम लोग पहली बार घर से बाहर निकलने जा रहे हैं. इट्स जस्ट माय मॉम एंड डैड, नॉट मी एंड खुशी. उधर इतना चेंज है तो फिर रिचमंड पार्क चले मुट्टू. बहुत दिन के बाद बाहर निकल गया तो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ चेंज लग रहा है ना. अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. फ्लावर्स बहुत सारे आ गए. देखो इधर दिखा दो. देखा इसमें वाइट कलर का फ्लावर देख रहे हैं ना, वो देखकर ऐसा लग रहा है. स्मेल भी मुल्लपू है ना, बने जैस्मिन फ्लावर का. हाँ मुल्लपू फूल. How was it? First time going outside. Oh, look. थोड़ा टेंशन है. केक का अच्छा स्मेल आ रहा है, पता नहीं जल गया मालूम नहीं. हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन टेंशन भी हो रहा है. लेकिन रोड पे कोई भी नहीं था, कोई भी. रात हो गया ना, कोई भी नहीं था. बहुत सारा फ्लावर्स. वो क्या स्मेल था. श्रुति ने भी गिफ्ट दिया है, कल ओपन करेंगे. और ये भी गिफ्ट है, हमारा इधर का एक फ्रेंड ने भेजा है, वो स्कॉटलैंड से आया हुआ गिफ्ट है. वो सब कल ओपन करेंगे, इधर ही रख लेते हैं. ये मैंने बैगी का पैकेट ऑर्डर किया था, हमको मिल नहीं रहा था यहाँ पे. और अंजू का थोड़ी तबीयत खराब भी हो रहा था ना, तो मैंने बोला थोड़ा सा ये स्टॉप करके रख लेते हैं. हाँ, 2-3 दिन संतोष को बहुत मेहनत करना पड़ा. क्या कल क्या बनाया था? वीट फ्लोर डोसा. केक रेडी हो गया और इसका अभी डेकोरेशन करना है. वो अभी नहीं करेंगे, खुशी को सरप्राइज देंगे कल. और आज का वीडियो में वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो डेकोरेट करके फ्रिज में रखने का जगह भी नहीं है, इसलिए कल सुबह करेंगे. नेक्स्ट व्लॉग में है ना, आप लोगों को अपम भी देखने के लिए मिलेगा, केक का डेकोरेशन को भी देखने के लिए मिलेगा. और अभी हम लोग मैगी खाने जा रहे हैं. 10 बजे हो गया. टुमारो. और आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था, पाताल लोग इतने अड़ाचीरिकले. चुंसी बोल रहा है, ये चुंसी अभी रिसेंटली ये मूवी देखा था, ये पड़ोसन मूवी देखा था. बोल रहा है मेरा एक्सेंट वही महमूद की तरह. महमूद की तरह उसका एक्सेंट. चुंसी बोल रहा है महमूद की तरह अंजू का एक्सेंट है. पड़ोसन में है ना एक बहुत फेमस गाना है, एक चतुर नार. Now listen, exactly like when she speaks, you can hear it exactly the same. Paraminda. हाँ, आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने आप लोगों में से हाँ सजेस्ट किया था पाताल लोग देखने के लिए. और संतोष ने वो कल रात को देखा था, बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं भी जाकर देख लूंगी. लेकिन संतोष ने ऑलमोस्ट बहुत सारे एपिसोड देखा है ना. 6 एपिसोड देखा है. स्टोरी पता है, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरा तो बैटरी अभी फिर से डाउन हो रहा है. कैसे भी खाना खाकर सोना है और कल का तैयारी करना है. कल सुबह जल्दी उठकर देखते हैं.
अंजू को बहुत इच्छा था कि खुशी का जो बर्थडे है उस दिन लाइव जाएंगे और सब आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे, तो वो तो अभी हो नहीं पाए, उसका तबीयत खराब था और यू नो हमको टाइम मिला नहीं आपको एडवांस नोटिस देने का और ऐसा कुछ करने का, तो कल तो नहीं हो पाएगा। बट हम लोग सोच रहे हैं कि संडे को शाम को 3:30 बजे यूके टाइम, जो कि इंडिया के हिसाब से 8 बजे है, लाइव आने के लिए। तो अगर देखते हैं मतलब लाइव आएंगे। अच्छा हाँ, लाइव आएंगे और केक भी उस दिन कट करेंगे खुशी का। चलो तो आप लोगों के साथ में हम लोग एक बार फिर खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वो है संडे को 3:30 बजे यूके टाइम, 8 बजे इंडिया टाइम। सो मिलते हैं आपसे लाइव और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे बात करने के लिए, जानने के लिए कि कैसे हो आप सब लोग और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो मिलते हैं फिर अंजू के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।